ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. नाउ व्हाट इज इट अबाउट? इट इज अबाउट अप्लाइंग कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स इन एग्री सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड पावर सेक्टर. बेसिकली प्रीवियसली वी यूज टू हैव अ चैप्टर नेम कॉस्टिंग फॉर सर्विस सेक्टर. Now, if you see the syllabus, costing for service sector is not existing in the name of a separate chapter. Remember, costing for service sector, it is like service sector. तो हमने जो क्लास में सर्विस सेक्टर किए हैं, इन क्लास वी डू होटल ट्रांसपोर्ट. इफ यू रिमेंबर, ये पब्लिक यूटिलिटी में आते हैं. होटल्स ट्रांसपोर्ट वगैरह पब्लिक यूटिलिटी में आ जाते हैं. In class we do hotels, transport, correct? Hospitals. ये अभी specifically आपके syllabus में कहीं नहीं दिख रहा है. In our syllabus we are not able to trace this in this material. But you should consider it in a decision making chapter. You should consider now a part of decision making chapter. पुराने सिलेबस के मैट में ये एक अलग, पुराने सिलेबस के मैट में ये अलग चैप्टर था, कॉस्टिंग फॉर सर्विस सेक्टर. अब कॉस्टिंग फॉर सर्विस सेक्टर का नाम कर दिया कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. तो पुराना सर्विस सेक्टर हटा नहीं है, तो इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग चैप्टर. और ये तीन सेक्टर आपको अलग से पढ़ने हैं, एग्री, आईटी, पावर. ठीक है, तीनों के ऊपर सेपरेट मिनिस्ट्री भी बैठी हुई है. एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री भी, आईटी मिनिस्ट्री भी है और पावर मिनिस्ट्री भी है. सो बेसिकली आपको सिखाया जा रहा है पावर सेक्टर में क्या क्या की रिस्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फीचर, उनका वैल्यू चेन सिस्टम आपको समझना है एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स. एग्री सेक्टर में उनका फीचर्स क्या है और आईटी सेक्टर में उनका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल क्या होता है. पावर सेक्टर में दे आर टॉकिंग अबाउट थर्मल पावर प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया. देर आर डिफरेंट वेरिएशन ऑफ थर्मल पावर, कोल, नेचुरल गैस, नेप्था एक्सेट्रा. दिस इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल. जो फ्यूल मिलता है वैसे उसका वेरिएशन बनाया गया. There are other type of energy resources being used to generate electricity which are hydroelectricity, solar power, wind power, nuclear power, etc. Nuclear power अभी implement नहीं हुआ है, हालांकि nuclear energy deal एक sign हो रहा है UN के collaboration के through, but वो अभी effective होने में बहुत time लगेगा. अगर nuclear power India में implement होके आ गया तो आप समझिए जो electricity cost है वो 1/10 से भी कम हो जाएगा, 10% से भी कम हो जाएगा हर जगह. नेक्स्ट, की रिस्क क्या है पावर सेक्टर का. की रिस्क में इट इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव. हर किसी का बस का नहीं है इस सेक्टर में घुसना. कोल सप्लाई डिवीजन, कोल सप्लाई पोजीशन बेसिकली इंडिया में ये कम ही हुआ जा रहा है. कोल में अभी तो कितना दिन पॉलिटिकल इश्यूज ही चल रहा था, कोल माइन ही बंद कर दिए गए थे, तो वो सब पावर कंजम्पशन को अफेक्ट कर दे कर जाते हैं. इसीलिए होता क्या है, बेसिक चीज है जो जिंदगी के लिए, हमें उसका रेट ज्यादा पे करना पड़ता है. फिर सप्लाई कम हो जाती है, ऑब्वियसली डिमांड मेंटेन्ड ही है क्योंकि ये बेसिक चीज है, तो उसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है बिकॉज सारे इनपुट महंगे हो जाते हैं. देन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक डायग्राम है जिससे ये समझाया जा रहा है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का होता है. आप विजुलाइज कर ही सकते हैं कि फैक्ट्री जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहां से ट्रांसफॉर्मर में पास ऑन किया जाता है, फिर वहां से वापस इस डायग्रामेटिक फ्लो से घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है. ये सब कैरियर्स हैं, आप ऐसा समझिए. व्हाट आर दिस आर कैरियर्स, कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ट्रांसफॉर्मर में स्टोरेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का. देखते हैं ना, बड़ा बड़ा आपका लोकल लोकैलिटी में
हैवी मशीन्स बैठा हुआ होता है, वो स्टोरेज कर रहा है, दैट हैज कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी. देन फ्रॉम देयर दीज कैरियर्स आर टेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट एरियाज. अब बीच बीच में इसमें भी स्टोरेज बनाते रहते हैं, जिससे कि होता क्या प्रॉब्लम पता है, अगर आप खाली एक ही स्टोरेज एरिया बनाकर आगे चलाते जाओगे तो इन द कोर्स ऑफ कैरिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी देयर विल बी सेवरल वेस्टेजेस. ये सब तार वार में करंट रहता है, कोई आप देखिए लोकल वगैरह में क्या होता है ना, इसी तार पे एक तार मारा, खींच लिया लाइन, कोई को खबर ही नहीं. तो इसका हाइट बहुत ज्यादा बनाते हैं, बट अगर इसका हाइट कहीं कहीं कम बन जाता है ना, तो इस तार में करंट होता है, तो कोई इस पे तार मार देगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा. ये सब तार पे कभी कभी आप देखिए करोड़ों मर जाता है जो करंट खा गया. तो होता क्या, इसमें इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो अगर अगर कोई इससे कनेक्शन जोड़ लिया तो लॉसेस ये कंपनी को मीटर ही नहीं होगा, जितना स्टोर किया जितना ट्रांसमिट हो रहा है, जनरली जितना जनरेट करके स्टोर कर रहे हैं ना, उतना कभी भी मीटर्ड हो नहीं पाता, ये रूल है. देर इज ऑलवेज स्टैंडर्ड लॉसेस बिकॉज ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे ही होंगे. इलेक्ट्रिसिटी जहां कंज्यूम होता है वहां, और जहां स्टोर होता है उसमें डिस्टेंस हो गई, और कंजम्पशन से स्टोरेज से कंजम्पशन के जगह तक पहुंचाना में लॉसेस होने ही होने, और वो लॉसेस को मिनिमाइज करने का लोग कोशिश करते हैं. और वो कैसे करते कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट्स जो हाउस होल्ड में मीटर्ड हो रहे हैं वो मीटर परफेक्टली हो. अब किसी के घर में मीटर ही खराब है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है, और हम लोग तो रिपोर्ट करने नहीं जाएंगे कि हमारा मीटर में रीडिंग नहीं आ रहा है. तो इसलिए इसमें इनोवेशन क्या लाया गया, जैसे कैलकटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में तो है ही, अक्रॉस द कंट्री है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया जिसमें रीडिंग आपको नहीं दिखता, वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों के यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा, आपके यहाँ बस एक डिवाइस बैठा हुआ है. सो दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस दिस लॉसेस. लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स होते हैं बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, हर किसी को लाइसेंस मिल भी नहीं पाता. टैरिफ डिटर्मिनेशन इज बेस्ड अपॉन द रैशनैलिटी टू डिटरमाइन द कॉस्ट इनकर्ड एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां चलती है, मतलब इनका एक सेपरेट गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग एक्ट है. स्टेक होल्डर्स आर एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कंज्यूमर्स. कंटिन्यूअस ग्रोइंग ग्रोइंग इज द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ये रहा जो मैं पॉइंट बोल रहा था. एंड इन एफिशियंसी गैप्स बिटवीन जनरेशन एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनडिसिप्लिन कंज्यूमर, इट इज ऑब्वियस, वो कनेक्शन लिखवा के लाता है कि हम लोग दो लाइट दो फैन चलाएंगे, फिर चलाता है एसी. तो होता क्या है, कहीं बीच में कनेक्शन कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाएगा तो लॉसेस होगा, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट कंज्यूमर तो बियर करता नहीं. कंटिन्यूअस नेटवर्क बिटवीन जेनरेटर्स, ट्रांसमीटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स. जेनरेटर हो गया ये, दिस इज जेनरेटर. ट्रांसमीटर यानी ट्रांसफॉर्मर्स, यही है ट्रांसमीटर. और कंज्यूमर हो गया यहाँ पे. इट इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क, मोस्टली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्लोजली रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंट एंड एनर्जी सब्सिडीज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन नेशनल ट्रेजरी. आपको पता है क्या, घर का इलेक्ट्रिक बिल का आप मीटर का रेट देखना, और कभी ऑफिस कमर्शियल ऑफिस है उसका इलेक्ट्रिक बिल का मीटर का रेट देखना. घर में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सस्ता आता है, उसमें एक स्लैब सिस्टम भी होता है, 3 4 5 ऐसा कुछ रेट है कैलकाटा में. और यही कमर्शियल होता है ना, तो फ्लैट रेट लगता है, 8 रुपए के 9 रुपए करके पर यूनिट, डबल रेट. तो हो क्या रहा है, हाउस होल्ड में सस्ता क्यों आ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडी पहुंचा रहा है. तो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का यहाँ पे रोल क्या है, फॉर डिटरमाइनिंग प्राइजेस एंड रेगुलेटिंग टैरिफ्स. फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन,
फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन मतलब बोलना चाह रहे हैं, जहां पर मान लीजिए पावर हाउस के आसपास कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो वहां पे ट्रांसमिशन कॉस्ट कम लग रहा है, तो अकॉर्डिंगली वहां का कॉस्ट एलोकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितना कॉस्ट लगे उतना ही कॉस्ट उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कंज्यूमर या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर पे चार्ज होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का अलग कॉस्ट होता है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का अलग कॉस्ट होता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट अलग होता है, लोड भी अलग होता है, ट्रांसमिशन भी अलग तरह से होता है, इसलिए उसका कॉस्ट भी अलग हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो गई, मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशन, पावरफुल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। पावर सेक्टर में पावरफुल एनालिसिस चाहिए, अच्छा भी बात है। वैल्यू चेन एनालिसिस में उसमें सारे एक्टिविटीज को आप इनबाउंड आउटबाउंड एक्टिविटीज वही पोर्टर्स वैल्यू चेन में के लाइट में एनालाइज करोगे, इन द लाइट ऑफ पोर्टर्स वैल्यू चेन। इसमें ये पूरा बता रहा है फ्लो, देखिए जनरेशन एंड ट्रेडिंग। नाउ नॉट एवरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मेनी टाइम्स बाइंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ट्रेडर हो गए। मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी एक नया ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, जनरली ये उन पर्टिकुलर जगह पे है जहां पे सूर्य बहुत ज्यादा आता है, सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा आती है, सोलर अगर एनर्जी आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जैसे आप एक मान लीजिए एक बिल्डिंग के ओनर हैं, आपका ही घर है और बहुत बड़ा बिल्डिंग है उस जिसका टेरेस पूरा यूज नहीं होता है, वो आइडल ही रहता है, तो आप उस टेरेस पे सोलर प्लांट लगा दीजिए, सोलर एनर्जी प्लांट। एंड वो कुछ सोलर प्लेट्स ही होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं बड़े बड़े, वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसका कॉस्ट आता है कुछ पर मेगावाट बेसिस, उसका एक पूरा कॉस्ट है। उस चाइना से जनरली वो पैनल्स आते हैं और अकॉर्डिंग टू मेगावाट यू हैव टू इनकर द कॉस्ट, एंड दैट कैन बी से 50,000 रुपीज अप्रॉक्स बोलते पर मेगावाट कैपेसिटी का कॉस्ट पड़ता है, पर मेगावाट आई थिंक और पर किलोवाट, सम पर किलोवाट होगा, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने पूरा कोटेशन एनालाइज किया था इसका, एक जनों से पूछा था तो उन्होंने समझाया था पर किलोवाट था कि पर मेगावाट था, दैट आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक पर किलोवाट ही होगा क्योंकि 50,000 इज वेरी नॉमिनल, सो पर किलोवाट रहा होगा। मेगा में एक मेगावाट में 1,000 किलोवाट हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली यू पे उसका एक एरिया डिफाइंड है कि एक किलोवाट का पैनल कितना बड़ा एरिया में सेट होगा। ओके, देन यू कैन सी हाउ मच वेकेंट टेरेस एरिया यू आर रेडी टू एलोकेट, and on that area you can install the panel. From that panel electricity whatever will be generated will be stored in a battery, there will be a storage device, usme store hoga, us storage se as hum log generally sochte hai tab dhoop aayega tabhi hamare ko energy milega, aisa nahi hai, wo storage itna zyada hai ki aapko saal bhar electricity mil sakta hai, aapka pura building ka electricity aap use kar lo, uske baad jitna surplus hoga na wo सीएससी इंडिया पर्टिकुलरली कैलकाटा में कंडीशन है कि सीएससी को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा बिकॉज इन कैलकाटा इट इज अ मोनोपोली बिजनेस एज पर द गवर्नमेंट, इट हैज नॉट बीन अलाउड टू बाय अदर कंपनीज टू ऑपरेट इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस, तो आपको सीएससी वालों को खबर करना पड़ेगा। इन सम अदर स्टेट्स इट माइट बी और अदर सिटीज इट माइट बी दैट प्राइवेट एंटिटीज आर ऑल्सो एंगेज्ड इन दैट, बट सीएससी वाला जितना सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी आपका उसमें स्टोर होता है वो अपना एक डिवाइस इंस्टॉल करेगा, वो उनका ट्रांसफॉर्मर में चला जाएगा जिससे वो लोग आपको अपने लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी उसी से सप्लाई कर देंगे, और उसमें जितना यूनिट उन्होंने लिया उसका मीटरिंग आपके सामने रहेगा, वो आपको दिखेगा कि इतना जनरेटेड था, इतना आपका कंज्यूम हुआ खुद पे, इतना आपका सरप्लस था वो सीएससी ले लिया, तो सीएससी गिव्स यू द अमाउंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट दे हैव यूज्ड इट। सो व्हाट इज सीएससी डूइंग नाउ, इट इज नॉट जनरेटिंग, इट इज ट्रेडिंग।
एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब उनके लिए तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। जैसे अभी झारखंड बिहार वगैरह में तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ धूप बहुत आती है, गर्मी बहुत पड़ती है। राजस्थान वगैरह में भी जहाँ लू बहुत ज्यादा गिरता है, तो वहां पर ये बहुत कॉमन हो गया, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी पूरा चला लो। इनफैक्ट हमारे मेरे यहाँ पे कलकत्ता में ही घर के आसपास में जो छोटे मोटे स्लम्स हैं, हमने देखा स्लम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत सालों से नहीं थी, बहुत सालों से नहीं थी। तो उन्होंने अपने वो झोपड़ पट्टी के ऊपर सोलर पैनल लगाया। हमारे जो मेड सर्वेंट है, अचानक हम उधर से गुजर रहे थे तो देखा उनके घर में लाइट फैन सब आ गया अचानक। लाइक क्या हो गया, यहाँ का काउंसलर बदल गया कि व्हाट इज द न्यू थिंग, न्यू डेवलपमेंट? तो उनसे जब पूछा तो बोले कि सर सोलर पैनल लगाए हैं। सोलर पैनल का कौन आइडिया दिया आप लोगों? हम लोगों को तो अभी तक आइडिया नहीं आया। बोले सर मेरा जमाई बाबू है, वो इसी का काम करता है। तो 5,000 रुपया लगा, उसमें पैनल भी आ गया और उससे मेरा दो लाइट और एक फैन जितना देर मैं चलाऊं चलता है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया, 5,000 रुपया में इलेक्ट्रिसिटी भी स्टोर हो गया घर में, लाइट फैन आ गए उनके। मतलब दैट इज वन चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर अपने सीएससी को अप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी मंगाए तो दैट इज मोर एक्सपेंसिव, और उसका मंथली कॉस्ट भी है ऊपर से, और इनका तो कुछ भी नहीं, बस सोलर एनर्जी से चल रहा है। अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और फिर जिनका बड़ा बड़ा जगह है, लोगों ने तो अपना ग्राउंड को डेडिकेट कर दिया है जिसमें डायरेक्ट सनरेज आता है, लोगों ने अपना टेरेस को डेडिकेट कर दिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गया है। मतलब इसका पे बैक पीरियड आप बोले तो 2-3 साल में पे बैक है पूरा, जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो 3 साल में पे बैक है, और इसका लाइफ है 15 साल। मतलब ऐसे इसका कैपिटल बजटिंग करवाया गया था तो पता चला 3 साल, मैक्सिमम 4 साल में तो पूरा कैपिटल कॉस्ट ही उड़ जाता है, उसके बाद इसका 15 साल लाइफ है। तो 11 साल फोकट का खाओ, ऊपर से अपने घर की सारी बिजली बचाओ। मतलब हमें यहाँ पे अपने एस जे सी में ही इसका एक कोटेशन आया था कि सर आप लोग का कितना बिल आता होगा कर करके, सिंस ये हमारा रेंटेड प्रोमाइसेस है तो हमें माथा नहीं लगाना था, अगर ये ओनरशिप वाला होता तो माथा लगाते कि भाई ऊपर में अपने टेरेस है तो टेरेस में क्यों नहीं इंस्टॉल कर ले, भाई इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आता है उसको बचाया जाए और ऊपर से उससे कमाया जाए। तो यही आपको ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट से समझाया, जनरेशन एंड ट्रेडिंग। तो दे आर इधर जनरेटिंग पावर और दे आर ट्रेडिंग ऑन पावर। ये देखिए यही है रियल टाइम एनर्जी ट्रेडिंग जो मैं आपको समझाया। सर एक बात बताइए, आप लोग को इतना चीज मालूम कैसे होता है? एक्सपीरियंस क्या है? ये सब आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि नया आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, दैट्स इट, कॉन्शियसनेस से पता चल जाता है। ये मैंने डिटेल में कहाँ सुना था बताए, हाल फिलहाल में मैं कार में कई बार ड्राइव करते करते ऑल इंडिया रेडियो चैनल सुनता हूँ, मतलब वो मुझे बेस्ट चैनल लगता है। और मतलब बाकी चैनल में तो ऐड ही चलते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गाना सुनाते, बट ऑल इंडिया रेडियो जो चैनल है आकाशवाणी, उसमें ठीक 9:15 बजे से न्यूज चालू होता है, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तो दोनों सुनता हूँ, हिंदी भी सुनता हूँ इंग्लिश भी सुनता हूँ, जनरली उस समय मेरा घर जाने का टाइम हो रहा होता है। तो दोनों सुनने से फायदा क्या होता है, ट्रांसलेशन इंग्लिश क्लियर होता है, उसके पहले बांग्ला न्यूज भी आता है वो नहीं सुनता हूँ, समझ में नहीं आता। अब न्यूज खत्म होने के बाद 9:15 से 9:30 एवरी डे उसमें एक पैनल डिस्कशन होता है जो इमर्जिंग टॉपिक पे हो रहा होता है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप ध्यान से सुने तो इट इज सच इंटरेस्टिंग थिंग कि कभी मीडिया को लेके, जर्नलिज्म को लेके, अभी लास्ट मैंने सुना था जर्नलिज्म के ऊपर, अभी कुछ प्रेस डे था, प्रेस डे में मोदी जी एड्रेस किए थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने जो उनको बोला और मीडिया का जो रोल अभी इमर्ज करा उसके ऊपर चल रहा था, एक दिन पावर पे सेक्टर पे चल रहा था। पावर सेक्टर का बहुत सारा फंडामेंटल ऐसे भी क्लियर हो जाता है, मतलब अलग अलग आइडियाज पे वो लोग डिस्कस करते हैं। मतलब देखिए क्या होता है ना, आफ्टर एकेडमिक्स देर इज वॉट नॉलेज यू यू हैव टू एक्वायर, यू हैव टू चूज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। एंड अपडेट करने के बहाने ये सब पैनल डिस्कशन वाले प्रोग्राम होते हैं या कोई सेमिनार होता है या न्यूज़पेपर होता है, बस अपडेटेड रहोगे तो आप अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर पा रहे हो।
तो ये सब मेरे को पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत कभी हुआ ही नहीं, या इसके बारे में जो मैं ओपन करके ही आपको सारा चीज बता दिया, जस्ट बिकॉज वो सब पैनल डिस्कशन काफी सुनते रहते हैं, तो अचानक से पता चला कि अरे तो इंटरेस्टिंग चीज हो गया, तो यही पढ़ाई में आ गई, अपना तो मेहनत ही कम हो गया। देन ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया, देन ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीटरिंग करते हैं, फिर स्टोरेज कई बार होता है कि आप जहां पे जनरेट करें वहां पे करें, और एक नियरेस्ट स्टोरेज भी रखते हैं जिससे कि सप्लाई में कंसिस्टेंसी रहे। जैसे आप वो डायग्राम में देखेंगे, एक और स्टोरेज था ना यहाँ पे, इसका रीजन ये होता है कि अगर एक ही स्टोरेज होता तो ट्रांसमिशन में लॉसेस बहुत सारे हो जाते, तो हमेशा वहां सप्लाई डिस्टर्ब होता, तो यहां से यहां स्टोरेजेस मल्टीपल बनाते हैं जिससे कि कंसिस्टेंसी इन सप्लाई बना रहे। अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स या ट्रांसमीटर्स कम रहेंगे ना, तो वोल्टेज अप डाउन करेगा, जिस लोकेलिटी में वोल्टेज अप डाउन का प्रॉब्लम है आप समझ जाना वहां पे क्या प्रॉब्लम है। वहां पे जो नियरेस्ट ट्रांसमीटर है उसका कैपेसिटी बहुत कम है, या फिर नियरेस्ट ट्रांसमीटर ही बहुत दूर पर है, तो वहां पे कंसिस्टेंसी इन सप्लाई मेंटेन नहीं होती, और कंसिस्टेंसी इन सप्लाई नहीं रहेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलेगा ही नहीं, ठीक से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू चेन उनका बताया गया। आई थिंक इफ यू रीड दिस वैल्यू चेन यू गेट द एंटायर कॉन्सेप्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग हियर। ये अच्छा चार्ट बनाया हुआ, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे लोग। देन आ गया एग्री सेक्टर, एग्री सेक्टर का वैल्यू चेन देखो, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। फार्मर है, कॉन्सोलिडेटर है। अभी क्या करता है कॉन्सोलिडेटर? फार्म से प्रोक्योर कर लेगा, कॉमन सेंस से हम पकड़ पा रहे हैं, ये उनका सप्लाई चेन आप ऐसा समझिए। फार्मर से कॉन्सोलिडेटर, कॉन्सोलिडेटर क्या कर रहा है, अलग अलग फार्मर से प्रोक्योर कर रहा है और कुछ प्रोसेसिंग भी कर रहा है। अब जैसे फार्मर तो मान लीजिए जो पैडी उगाए वो काट के दे आए, अब उसमें से दाना तो निकालना होगा ना, वो दाना निकालने का काम कॉन्सोलिडेटर करता है। फिर कॉन्सोलिडेटर से ट्रेडर, ट्रेडर से कमीशन एजेंट, फिर होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर तक आता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को कॉस्टिंग करना नहीं आता, क्योंकि सब गरीब जनता। अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ वर्किंग कोलैबोरेटिवली, यूज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक्स फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, बिकॉज रिपीटेशन होते ना यहाँ पे, एक ही चीज को बार बार आप रिपीट करते हो। इम्बैलेंस ऑफ पावर अक्रॉस द सप्लाई चेन, नो पावर का बात यहां पे क्यों आया, बिकॉज अगर पावर नहीं होगा तो हेवी मशीन चलेगी नहीं, करेक्ट? तो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं बहुत सारे। अब पेट्रोल डीजल का प्रॉब्लम ये है कि जिस एरिया में एग्रीकल्चर होता है, रिमोट एरियाज में, वहां तक पेट्रोल पहुंच ही नहीं पाता, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महंगा हो जाता है। तो कई जगह ये देखा गया है कि लोग व्हीकल चलाते हैं बट केरोसिन पे। हाँ, टेक्नोलॉजी का स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी है। आप कभी पंजाब घूमने जाएंगे ना, कभी भी अगर आप वहां पे रोड ट्रिप करेंगे, तो आप अगल बगल, पंजाब इज द रिचेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट ऑफ इंडिया, आई वॉज सो शॉक्ड कि उधर आसपास इतना हैवी मशीन है किसानों के पास, मतलब मशीन मे बी बिगर देन द रूम साइज, कैन यू इमेजिन, वो चला रहा है उसको खेतों पे। वो सब थोड़ा सा लगता है कि वहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया टेक्नोलॉजी को, मे बी क्या ना, देखो इतना कॉर्नर कॉर्नर्स में है तो हर जगह पहुंच नहीं है। तो ट्रैक्टर वैक्टर में तो देखा कई बार कि केरोसिन से ट्रैक्टर चला लेते हैं वो लोग, चल तो जाता ही है, अब चल जाता है तो लाइफ खत्म हो जाती है। केरोसिन तो एक बाई प्रोडक्ट है पेट्रोल डीजल का, तो ऑब्वियसली उसमें एफिशिएंसी कभी नहीं आएगी, तो इंजन बैठ जाते हैं। और गांव गांव में तो एक और प्रॉब्लम भी है, आप कभी पेट्रोल पंप पे भी जाएंगे ना, तो हर पेट्रोल और डीजल में केरोसिन मिला के ही बेचते बेटे लोग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अभी एक दोस्त के साथ हुआ, रोड ट्रिप में गया, पेट्रोल गाड़ी में खत्म, तो हाईवे आया, कोई गांव हुआ उसका हाईवे था, उसमें पेट्रोल पंप दिखा, पेट्रोल भराने गया, 10 किलोमीटर के बाद एकदम सुनसान रास्ते में गाड़ी बैठ गया,
बैठ गया. क्यों? क्योंकि उस पेट्रोल में मैक्सिमम पोर्शन केरोसिन था, गाड़ी चला ही नहीं. अब वो फेसबुक में अपडेट मार रहा है. बेचारा करे क्या, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. वो फेसबुक में अपडेट कर रहा है दिस इज इंडिया, अब वो जो लंबा लंबा फेंक रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ही अपना. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अभी परसों ही का मेरे और बिजनेस एसोसिएट बता रहे थे कि मेरे उनके मामा जी हैं कोई विलेज में, वो लोग का केरोसिन का एजेंसी है, तो महीने का 5 ट्रक केरोसिन आएगा और 5 ट्रक में 3 ट्रक पेट्रोल पंप वाले को बेचते हैं. बोलते क्यों? बोलते क्योंकि पेट्रोल और डीजल में मिला मिला के वो लोग पेट्रोल डीजल को मैनिपुलेट करते हैं और 2 ट्रक एक्चुअली केरोसिन जो बायर आते हैं उनको बेचते. ये सब धांधली इंडिया में है, अभी भी है, कोई उपाय नहीं है. एनीवेज, ए फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर, बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है भाई साहब. अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल टू वर्क कोलैबोरेटिवली, टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट एंड इम्बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ पावर मतलब यहाँ पे हम लोग पावर मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई भी समझ रहे हैं, बट यहाँ पे और भी पावर के बारे में बात कर रहा है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर, मतलब वो पावर नाउन के तरह सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे बार्गेनिंग पावर की बात कर रहा है. पावर ऑफ बार्गेनिंग सीम्स टू लाई इन द हैंड्स ऑफ होलसेलर. नाउन के तरह अगर सोचते हैं तो इट इज कमिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बट अदर उसका वर्ब के बारे में सोचें तो पावर टू बार्गेन के बारे में बात हो रही है. फार्मर्स के साथ एक प्रॉब्लम तो है ही. देखिए बेचारे सारे ही काम करते हैं लेकिन हमेशा दब के रहना पड़ता है इनको. इनका जो दाम इनको मिलता है चीजों का और फिर जिस दाम पे कंज्यूमर को बेचा जाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है. इनको पता ही नहीं होता और इनके पास उपाय भी नहीं होता, बिकॉज दे हैव लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर सिस्टम. तो अभी क्या चल रहा है, वो प्रधानमंत्री का योजना चल रहा है, किसान को पढ़ाओ लिखाओ सिखाओ, उनको बताओ किस तरह से और अच्छी खेती की जा सकती है, आता ही रहता है ना एड. कॉस्ट मैनेजमेंट इसमें कैसे होगा? इट फोकसेस अपॉन ऑल द एक्टिविटीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द वैल्यू चेन प्रोसेस. एबीसी अप्लाई करिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करिए. टेक्नोलॉजी यूज करिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि इनके साथ एक होता है कि सीजनल फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं, तो फ्लक्चुएशंस में इनपुट भी कभी कभी महंगा हो जाता है, तो उस समय फ्लक्चुएशन को एंटिसिपेट करें और उसको प्राइस का पार्ट बनाए. प्राइस का पार्ट नहीं बनाएंगे तो दूसरा उपाय कि कॉस्ट रिडक्शन मैकेनिज्म आपको पता हो कि आपका टारगेट कॉस्ट मेंटेन रहे. दो तरह से सोचा जाएगा. इट इज अ स्टेप अप फ्रॉम द टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक वेयर द फ्लक्चुएशन इन द एंटिसिपेटेड प्राइस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फॉर्मूला माइट नॉट रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट. सो आपको इस तरह से कॉस्टिंग डिवाइज करना है कि फ्लक्चुएशंस भी आपके कॉस्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो. एबीसी कैसे हेल्प कर सकता है यहाँ पे? कॉस्टिंग टेक्निक जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा वो कॉस्ट दिखा देगा. फास्टर एंड मोर एक्यूरेट एनेबल्स कैरिंग आउट मोर डिटेल्ड एनालिसिस. नाउ एक एमएसपी का कॉन्सेप्ट है, ये केस स्टडी आ गया आपके लिए. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमआरपी तो पढ़े है ना, तो व्हाट इज एमएसपी? गवर्नमेंट बोल दिया है कि आप इतना, मतलब फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लोर प्राइस सेट कर दिया गया है विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट शार्प डिप ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस विच वॉज यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन. फार्मर के साथ क्या होता था, एक कॉबवेब इकोनॉमी है, मैं पहले भी क्लास में कभी बताया हूं. ये बेचारे क्या करते, जिसको उगाते हैं तो उसका देखा देखी सबको उगा लेते.
तो सब उगा लेते हो, सप्लाई बढ़ जाता है, फिर प्राइस गिर जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि जो लोग इनसे डील कर रहे हैं और इनको भी अवेयर किया कि देयर इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप उसके नीचे कभी नहीं बेचोगे। और गवर्नमेंट भी अपने पब्लिक सेक्टर में बहुत सारा फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करता है, तो उन्होंने एक रेट डिसाइड कर दिया कि इस रेट पे हम लोग मिनिमम आपसे लिया करेंगे। मतलब ज्यादा बना लो तो लॉस है ही, कम बनाओ तो भी लॉस है बेचारों के साथ। फार्मर दोनों तरफ से सफर करते थे क्योंकि बार्गेनिंग नहीं करना आता। ज्यादा बना लिया तो भी लॉस, क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गया। कम बनाया तो लॉस है ही क्योंकि कॉस्ट रिकवर ही नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब कभी यूज इट इन केस स्टडीज और डिटेल्ड केस स्टडीज विच कैन बी आस्क्ड इन चैप्टर 13 टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, वी कैन यूज इट इन राइटिंग केस स्टडी आंसर्स रिलेटेड टू एग्री सेक्टर। गवर्नमेंट फिक्सेस द एमएसपी एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट। कई सीए हल्ला करने लगे इसके बाद, इंस्टीट्यूट के पास अपील गया कि आप भी एमएसपी फिक्स करिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोटेक्ट करिए, क्लाइंट लोग पैसा नहीं देते रिटर्न फाइल करने का। तो बहुत लोगों ने क्या किया, अपना एक जैसे स्टडी सर्कल होता है ना अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ग्रुप, उसमें एक मेन्यू कार्ड बना लिया, सर्कुलेट कर दिया और बोले इंस्टीट्यूट का थप्पा मार के ये पास हो गया है, सबको ये फॉलो करो। हमारा एक क्लाइंट आया, वो कोई गांव में कोई सीए से रिटर्न फाइल कराता था, जिसको ये नहीं पता था कि इनकम अंडर सैलरी कैपिटल गेन में नहीं जाता है। उनका रिटर्न हमने देखा अपने आंख से, 2-3 साल से फाइल करवा रहे थे, इनकम सैलरी का इनकम कैपिटल गेन में, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम पीजीबीपी में, रेंटल इनकम पीजीबीपी में, मतलब बहुत सारा अजीब अजीब इफेक्ट लिया हुआ था चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उससे रिटर्न फाइलिंग फीस लिया हुआ 16,000-17,000। तो हमने बोला आपने इतना दिया कैसे, हम लोग तो कलकत्ता में अभी भी नहीं मांग सकते हैं। बोले वहां पे रेट चार्ट लगा के रखा है, बोले इससे नीचे लेना अलाउड नहीं है। वहां पे चार्ट लगा के रखा है, बोलते इससे नीचे लेना अलाउड नहीं है हम लोग को, हम लोग क्या करेगा, हम लोग का लाइसेंस का सवाल है, इससे नीचे हम ले नहीं सकता। ये देखिए वहां से आया स्टम्प मार के, एक रेट चार्ट बना के रखा है, इससे नीचे ले नहीं सकते हम लोग, क्या करें। आईटी सेक्टर There are again a number of challenges. देखिए language associated with cost management. Thus the complexity. आप अगर इन मल्टीनेशनल के एंगल से सोचे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे challenges क्या है। विप्रो इन्फोसिस वगैरह को सोचो तो आपको challenges समझ में आएगा, ठीक है। Complexity of the operating structure and difficulty seen in implementation of cost allocation model. It is seen that in order to manage the IT costs, most organizations tend to develop centralized IT departments acting as cost centers for the purpose of managing the IT budgets as well as allocation of cost associated with, along with the charging back of expenses that are incurred by the business units. Now, अभी यहाँ पे एक नया point raise किया हुआ है। हम लोग अभी सोच रहे हैं विप्रो इन्फोसिस वालों को कैसे अपना कॉस्टिंग करना है, बट ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कुछ और ही बात कर रहा है। ये बोल रहा है एक बिजनेस का आईटी नीड है, तो उसको वो कैसे हैंडल करे। तो बहुत सारे बिजनेस ने क्या किया, जैसे आप मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टाटा स्टील, उसका आईटी नीड होगा ही अपना, तो उन्होंने अपना आईटी नीड को मैनेज करने के लिए क्या तो आउटसोर्स किया हुआ होगा, या तो फिर अपने यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए हुए होंगे। तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया, अपने आईटी नीड्स को हैंडल करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड आईटी डिपार्टमेंट बनाया, बिकॉज आईटी नीड में इतना सारा काम होता है कि इसका कॉस्ट ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो पता नहीं चलता फिर किसके नाम पे हम कितना कॉस्ट डालें।
तो आईटी वाल का जॉब हैंडल करने के लिए दे हैव मेड अ सेंट्रलाइज आईटी डिपार्टमेंट, और वहां से ही सारा आईटी का लोगों को भेजा जाने लगा। तो फिर जितना टीम किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए गया, तो उसका मैन आवर बेसिस वो लोग ट्रैकिंग करने लगे, कितना मैन आवर किस पर्टिकुलर जगह पे यूज हुआ। उन्होंने और कोई साधन ट्रैक नहीं करा पाया है, और कोई साधन का खोज नहीं किया उन्होंने। इंस्टेड आईटी में आज भी हम लोग कोई भी काम करवाते कहीं से भी, तो उनका जो कॉस्ट ट्रैकिंग सिस्टम है वो सिंपल मैन आवर बेस्ड ही होता है, बिकॉज वो मैन को भी एक ही काम आता है ऐसा नहीं है ना, उससे वेरिएशन बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। आज मान लीजिए कोई लोकल एरिया नेटवर्क का कोई काम है, लैन का कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का काम है, उसमें भी बहुत सारा काम निकल आता है, इतना वेरिएशन है उसमें। तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि दीज आर द सर्विसेज, यू कैन जस्ट कैटेगराइज, यू कैन नॉट डिफाइन एक्चुअली दैट व्हाट विल बी द सर्विस। इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नीड, सो कॉस्ट ट्रैकिंग बिकम्स डिफिकल्ट। सो इफ योर डिफरेंट डिविजन विद इन द टाटा स्टील इज हैविंग आईटी नीड्स एंड फॉर ईच नीड देयर इज अ सेपरेट पर्सन, देन देयर वुड नॉट बी एनी मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट दे डिड, दे कंसोलिडेटेड सिंगल आईटी डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज आईटी डिपार्टमेंट, जो फिर जितना डिवीजन में जो जो नीड होगा वहां वहां जाता रहेगा, और मैन आवर बेसिस ट्रैकिंग लगाता रहेगा, जिससे कॉस्ट आइडेंटिफाई तो हो कि वो कितना आईटी कॉस्ट लग रहा है। इनफैक्ट टाटा स्टील में जो टीसीएस बना था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो एक्चुअली टाटा ग्रुप का आईटी डिवीजन के तरह बना था। ये मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग में बताया भी था आपको, वो बना था उसी व्यू से कि सेंट्रलाइज आईटी डिपार्टमेंट रखते हैं जो सारा टाटा ग्रुप का कंपनीज का आईटी नीड को रिजॉल्व करेगा। बट वो इतना इफिशियंट निकल गया टीम कि इतना जल्दी वो काम को निपटा दिया कि सबका आईटी नीड कम होने लग गया। तो ये टीम आइडल था, तो इसकी जो कॉस्ट सेंटर बनाई गई थी फिर उसको प्रॉफिट सेंटर बना के कंपनी बना के फ्लोट कर दी गई, और आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टाटा ग्रुप का मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में खड़ा हो गया। सो यही यहाँ पे बता रहा है, इंट्रोडक्शन वहां से शुरू कर रहा है। फिर आईटी ऑर्गेनाइजेशन का एंगेजमेंट मॉडल क्या है, इसके ऊपर अलग से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंगेजमेंट मॉडल्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट अंडर द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस अंडर द सेम इज दैट वेदर द आईटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ कॉस्ट सेंटर और वेदर इट शुड बी सीन एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू द बिजनेस। वही टीसीएस वाला एग्जाम्पल, विथ मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन वेदर लार्ज और स्मॉल इन नेचर ऑप्टिंग फॉर थर्ड पार्टी एलोकेशन, एक और नया आ गया थर्ड पार्टी एलोकेशन, और ऑप्टिंग फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इट कैन बी सीन दैट इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट्स आर फाइटिंग हार्ड फॉर रिमेनिंग रेलिवेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है कि इंटरनल आप जो आईटी डिपार्टमेंट चलाते थे, अब जो जमाने में चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से वो थोड़ा सा टफ हो रहा है मेंटेन करना। इन ऑर्डर टू स्टे रेलिवेंट वॉट द आई टी डिपार्टमेंट नीड इज अ बेटर विजिबिलिटी टूवर्ड्स आई टी नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू डू द सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द गिवेन सेक्टर कैन अडॉप्ट वॉट इज रेफर टू एज द 4D आई टी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। ये आपको आई टी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखने को मिले तो 4D के बारे में आपको बताना है। मतलब द मैटर हाईलाइटेड हियर इज वेदर वी शुड हैव इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट और एक्सटर्नल आईटी डिपार्टमेंट। एक्सटर्नल मतलब इंडिपेंडेंट आईटी डिपार्टमेंट, विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, ये सभी बात है। जैसे इंफोसिस तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह शुरू हुआ था। इंटरेस्टिंगली यू नो विप्रो एक्चुअली एफएमसीजी गुड्स मैन्युफैक्चरर था, बताया था मैंने, वेस्ट इंडिया पाम रिफाइनरी ऑयल्स, रिफाइनरीज एंड ऑयल्स, ये कंपनी का ओरिजिनल नेम था। फिर आईटी इसका एक विंग बना, और विंग बना तो फिर ऐसा निकला कि आईटी उनका फोर्टे हो गया। मतलब जनरली इमर्जेंस में टीसीएस और विप्रो आता है टॉप में, तो ये दोनों ऐसे ही आए हैं। वैसे ही महिंद्रा का भी एक अपना आईटी डिवीजन, महिंद्रा टेक, ऐसे ही आईटी हैंडल करते करते वो प्रॉफिट सेंटर बन गए महिंद्रा टेक। इंफोसिस एक इंडिपेंडेंट चला आईटी के तरह,
इन लोगों को कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए ये 4D फ्रेमवर्क फॉलो करना है. पहला डी है यहाँ पे डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन विजन. एनी अमाउंट स्पेंडिंग कैरिड आउट इन रिलेशन टू IT रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी अलाइंड टू द ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. नाउ आपको लगता है कि आप ऐसा करना चाहते हो कि आज IT डिपार्टमेंट बनाते हैं, कल उसको इतना एम्पावर कर देंगे कि दे कैन स्टैंड आउट एज अ सेपरेट कंपनी, तो आप IT डिपार्टमेंट जरूर बनाएं. बट आपका विजन क्या IT को लेकर? आपको बस टेम्पररी अपना प्रॉब्लम सॉल्व के लिए चाहिए तो क्यों अपना इंटरनल डिपार्टमेंट बनाने का है, तो आउटसोर्स करिए. बिजनेस ओनर्स शुड हैव अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड देयर बाय कंट्रोल द IT कॉस्ट इन एन इफेक्टिव मैनर. द पर्सपेक्टिव्स ऑफ की स्टेक होल्डर्स CEO, CFO एंड डायरेक्टर्स मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वेन डिसाइडिंग अपॉन IT कंजम्पशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एडिशनल विजिबिलिटी थ्रू द मॉडल्स नीड टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन इन रिलेशन टू द IT कॉस्ट बर्डन. एंड वही ABC यहां पे आपको हेल्प करेगा, और कोई उपाय नहीं है. जहां जहां वेरिएशन आएगा, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स आएगा, वहां पे ABC ही हेल्प करेगा. ये देखिए जो सबसे पॉपुलर है, द ऑर्गेनाइजेशन कैन ईदर ऑप्ट फॉर अ सिंपल मेथड ऑफ डिवाइडिंग द एंटायर IT कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ आवर्स कंज्यूम बाय ईच डिपार्टमेंट. और उससे कॉम्प्लेक्स में जाना है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हर एक काम का ड्राइवर खोजिए, फिर वो ड्राइवर के हिसाब से रेट निकालिए. जैसे हमारे यहाँ पे जब लैंड नेटवर्क वगैरह इंस्टॉल हुआ ना, तो एक IT कंपनी से ही बात हुआ, तो IT कंपनी वाला हमें कैसे ड्राइवर बताया लैन का. देयर वेयर ड्राइवर वाज पर फीट ऑफ लैन वायर, समझे, पर फीट ऑफ लैन वायर. मतलब लैन वायर का एक फीट का उन्होंने ₹25 रेट दिया मुझे. मतलब इसमें क्या आएगा सर, ऑल, मतलब इसमें लैन का जितना एक्टिविटीज है सब इंक्लूडेड है. अब आप 100 फीट लगाएंगे तो 25 × 100, 1000 फीट लगाएंगे तो 25 × 1000, तो हमारे यहाँ पे कुछ 3000 फीट यूज हुए. अब बस हिसाब कर लो आप, 25 × 3000 के लिए कैलकुलेटर चाहिए? उसमें ऑल इंक्लूसिव है, मतलब उसमें इंजीनियर कॉन्फिगर भी कर देगा, उसमें इंजीनियर डिवाइस भी बैठा देगा, उसमें इंजीनियर वायरिंग भी करेगा सीलिंग से, अंडरग्राउंड से, वो अपना केसिंग पाइप स्क्रू रू सब लेके आएगा. तो द आइडिया इज दे वेर हैविंग अ ड्राइवर, द ड्राइवर वॉज पर फीट. सो फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज दे हैव डिफरेंट ड्राइवर्स. और उससे सिंपल क्या होता, सबसे सिंपल मैन आवर बेस्ड, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, मैन आवर बेस्ड, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है. बट आप चाहो तो हर अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग ड्राइवर भी बना सकते हो. देन डी फॉर अनदर, ये डी फॉर था डिफाइनिंग, यहां पे था डिफाइनिंग. नाउ अनदर डी इज डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेंट स्टेट मीन्स आपके पास जो ऑलरेडी IT डिपार्टमेंट के कुछ भी एक्टिविटीज हैं उसका प्रेजेंट स्टेटस, तो आपको पता चलेगा कहां कमियां हैं जिसको आप ओवरकम करना चाहते हो. देखिए द नेक्स्ट इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करेंट स्टेट ऑफ IT डिपार्टमेंट इंप्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड वीकनेसेस. तभी आपको समझ में आएगा ना कि अपना IT डिपार्टमेंट हो कि भाई बाहर से चला ले, कमियां कहां हैं. देन नेक्स्ट आ रहा है डिलिनिएशन. डिलिनिएशन ऑफ टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर. Once the current state of IT structure has been documented, the next step is developing. Delineation is actually development. A target business architecture for the purpose of addressing the gaps.
एंड लिमिटेशंस आइडेंटिफाइड, एंड लास्ट इज डिसीजन. डिसीजन इज टू व्हाट, मेक और बाय, या बिल्ड वर्सेस बाय. ओके, मतलब हम सोचे थे पहाड़ निकला चूहा. क्या सोचे थे, हमें लग रहा था हम विप्रो का आईटी पढ़ने जा रहे हैं कि वो लोग अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, और निकला क्या कि कंपनी को अपना आईटी डिपार्टमेंट चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए. ये सब मुझे ऐसा एकदम महसूस होता है कि दे विल पुट दिस एज एन इशू और चैलेंज टू अ कंपनी इन केस स्टडी क्वेश्चंस. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर केस स्टडी पर्टिकुलरली. और इसमें जैसे आईटी डिपार्टमेंट अपना जब आप बनाते हो तो आपको कमेंट करने बोल देगा कि कंपनी है जो अपना आईटी डिपार्टमेंट ऐसे चलाता था, अब वो सोच रहा है कि उसको आउटसोर्स कर लेना चाहिए या उसको कोई अलग से सेंट्रलाइज आईटी डिवीजन बनाना चाहिए. तो उसी में एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर 4 D's ऑफ ऑप्टिमाइजिंग आईटी कॉस्ट. तो डी फॉर डिफाइनिंग, डी फॉर डॉक्यूमेंटिंग द करेंट स्टेट, डी फॉर डेवलपमेंट या डिलिनेशन ऑफ द टारगेट, एंड देन डिसीजन यू हैव टू टेक. 4 D's इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते. मोरओवर, इससे आपको एक फ्रेमवर्क पता चला कि विप्रो वगैरह कैसे करते. देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने ये सब चीज को पढ़ाने के पहले बहुत एक्सपेरिमेंट किया है. एक्सपेरिमेंट क्या किया मैंने, ENY में एक बार, ENY का अपना IT डिविजन है, अपना वेबसाइट का, SGC का वेबसाइट का एक स्पेसिफिकेशन लिस्ट बनाया. मेरे पास दो रास्ते थे कि मैं इंटरनल आईटी टीम बनाऊं और उनको हायर करके अपना वेबसाइट बनाऊं, या फिर किसी और से बनवा लूं. ठीक, तो ENY में कोटेशन भेजा, मतलब कोटेशन मंगवाया. तो उन्होंने कैसे कोटेशन बनाया, मेरा डिस्क्रिप्शन को पूरा थॉरली पढ़ा, एक दो मिनट बातचीत हुई, और फिर उस डिस्क्रिप्शन पे उन्होंने एक एक जो हेड मैंने लिखे थे, सब हेड, उसके बगल में एस्टिमेटेड आवर लिखे, मैन आवर बेसिकली, और उससे टोटल मैन आवर जज किया. टोटल मैन आवर उनके हिसाब से 3000 मैन आवर आ रहे थे. और 3000 मैन आवर, देखो जितना ज्यादा आदमी लगेगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज कम हो जाता, बट 3000 मैन आवर का एक रेट पर आवर उनका स्टैंडर्डाइज था कि हम लोग इसमें इस रेट पर मैन आवर पे काम करेंगे. और उसमें बीच में कितना आवर ऑफ सुपरविजन लगेगा, तो सुपरविजन का रेट का एक मैन आवर रेट डिसाइडेड था उनका. और इस तरह से उन्होंने अलग अलग टीम वाइज मैन आवर का रेट लगाया कि कहां पे कौन सा टीम काम करेगा उसका मैन आवर रेट ये है, कहां पे कौन सा टीम काम करेगा उसका मैन आवर रेट ये है, उस टीम का प्रोजेक्ट हेड कौन होगा उसका मैन आवर का रेट ये है, उसका कितना आवर इसमें जाएगा, एंड ऐसे करके एक टोटल कोटेशन समथिंग इन क्रोर्स उन्होंने भेजा. मतलब दैट्स हाउ टिपिकली एन आईटी डिपार्टमेंट डज फॉलोइंग देयर कॉस्टिंग मैकेनिज्म, प्राइसिंग मैकेनिज्म. सो इफ यू आर आस्क्ड टू एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इफ समटाइम यू गेट अ चांस टू डू कॉस्टिंग देयर, तो यू हैव टू डू दिस वे ओनली, दैट इज द ओनली वे आउट. And if they have a different drivers, if they have ABC system implemented or they wish to implement ABC, then for every activity that I wish to get it done from them, there will be a separate driver. तो driver के हिसाब से फिर अलग अलग rate होंगे. जैसे LAN का example मैंने आपको दिया, तो हमने पढ़ा actually यहाँ पर कि कैसे company का IT department खुद का cost center होना चाहिए, अपना सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, कि वो प्रॉफिट सेंटर की तरह ऑपरेट करना चाहिए, कि वो बाहर से करवाना चाहिए. इस तरह से पढ़ा, बट आपको आइडिया तो पूरा इंडस्ट्री का लग ही गया कि कैसे चलता है. तो आईटी सेक्टर इज रनिंग यूजुअली ऑन मैन आवर ट्रैकिंग बेसिस. जैसे अभी आपको पता है क्या, आपने जीएसटी का वेबसाइट कौन सा कंपनी बना रहा है? हाँ, विप्रो बना रहा है, 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है. तो सवाल उठता है कि 1200 करोड़ कैसे निकला? इंफोसिस बना रहा है क्या? 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इंफोसिस बना रहा होगा. विप्रो या इंफोसिस दोनों बिड किया था, दोनों में एक जन को मिला था, शायद तक इंफोसिस होगा बना रहा है, दोनों में से एक है. और 1200 करोड़ बिडिंग कैसे हुआ? कोई कैलकुलेशन था कि अंदाज मार दिया?
बड़ी कंपनी अंदाज नहीं मार सकती ना, ह्यूज लॉसेस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट उन्होंने 1200 करोड़ लिया तो किस तरह से किया होगा, तो गवर्नमेंट के टीम के साथ उन्होंने कई बार डिस्कशन किए होंगे टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। एंड यू नो व्हाट, रिक्वायरमेंट फ्रीज होने तक का भी कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट ऐसे ही ले लिया जाता है। गवर्नमेंट के लिए शायद वो फ्री में कर देते होंगे, बट हमारे साथ तो उन्होंने हमें बोला कि इतना करोड़ तो बनाने का और रिक्वायरमेंट फ्रीज करने का 25% प्लस, मतलब 125%। जो वो 1 करोड़ बोल रहा है तो 25 लाख रुपए लेगा खाली रिक्वायरमेंट समझने के लिए, तो 25 लाख खर्चा करने का हिम्मत है तो आगे बात करते हैं, पहले 25 लाख का साइनिंग अमाउंट भेजिए तो उसके साथ बैठ के रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए वो ऐसे पेपर में नहीं समझ में आएगा। तो उसका भी तो मैन पावर लॉस होगा, उसका भी तो कॉस्ट है। जीएसटी वेबसाइट किससे बन रहा है अभी थोड़ा गूगल करके देखिए। जीएसटी वेबसाइट मेकर इन्फोसिस 1400 करोड़, 1380 करोड़। सो ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 5 इज ओवर, इट वॉज अ न्यू चैप्टर। इसमें अगर देखो याद रखने का था तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं वैल्यू चेन ऑफ ऑल थ्री। ऑल थ्री में दो था मेजरली, पावर पावर का था जनरेटिंग से लेकर कंज्यूमर तक, दूसरा एग्रीकल्चर का था। आईटी वालों का कोई वैल्यू चेन यहाँ पे दिया नहीं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका वैल्यू चेन आए, हो सकता है कोई अमेंडमेंट आ जाए, कोई नया किताब में डाल भी दे तो पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा कि इसमें वैल्यू चेन के बारे में कुछ बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दूसरा यहाँ पे 4D इन आईटी सेक्टर, 4D इन आईटी सेक्टर, डिफाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग, डेवलपिंग और डिसीजन। चैप्टर 6 इज फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटरेस्टिंगली इसमें कुछ भी मेरा बताने का नहीं है एक्सेप्ट वन सम, एक सम मुझे कराना है, ठीक है। तो चैप्टर 6 आपके लिए फ्री हो गया पूरा। चैप्टर 6 सीवीपी एनालिसिस का एक क्वेश्चन है यहां पर, सीवीपी अंडर अनसर्टेनिटी, सीवीपी एनालिसिस अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी, सीवीपी एनालिसिस अंडर कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लिया जाएगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता था जिन्होंने क्लास किया, अब न्यू सिलेबस वाले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़े नहीं है। सिक्स सिग्मा में मैं समझाते वक्त एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था, और कहाँ पढ़ते, कैपिटल बजटिंग SFM में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब बात यह है कि न्यू सिलेबस में SFM से भी कैपिटल बजटिंग हटा दिया है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आता है SFM में, डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस पढ़ते वक्त Black-Scholes मॉडल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, बस अभी यही एकमात्र साधन है रिलेट करने का Black-Scholes मॉडल में। एनीवेज अभी मैं बता देता हूँ, पोर्टफोलियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उतना इम्पैक्ट नहीं है। जेड वैल्यूज को लेकर उसका जो सम्स है, हम लोग तो सब ऑप्शंस में ही कर लेते हैं उसको लेकर। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इज 110 रुपीज एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 70 रुपीज। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया ना, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, 40 रुपीज। बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट आर 163,500, एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द पीरियड आर 5000 यूनिट्स एंड इट इज अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एस्टिमेटेड सेल्स क्वांटिटी इज नॉर्मल, इज नॉर्मल मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 125।
मतलब यहाँ पे यू कैन से सेल्स इज अनसर्टेन, जिसमें वोलेटिलिटी है. सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट आर अज्यूम टू बी सर्टेन. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स बींग ग्रेटर देन 40,000? तो पहले आप ये बताओ तो कितना यूनिट्स बेचने से प्रॉफिट आएगा 40,000 का, यूनिट्स फॉर प्रॉफिट ऑफ 40,000. याद है क्या कैलकुलेशन? फिक्स कॉस्ट 163,500 प्लस 40,000 प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाय 40 कितना आ रहा है? 507.5 यूनिट्स. ठीक है. दूसरा यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब बेसिकली यू वांट टू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5087.5. दिस इज रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ग्रेटर देन 40,000 रुपीज. यू नीड टू सेल मोर देन 5087.5 यूनिट्स. एम आई करेक्ट? ऐसा ही तो होगा. सो फॉर दैट एक्चुअली यू विल चेक द एरिया ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 5087.5. जेड का बेसिकली एक वैल्यू निकाला जाएगा अगेंस्ट दिस. सो एक्सपेक्टेड सेल्स इफ यू सी इज 5,000 यूनिट्स. यू कैन टेक इट एज मीन सेल्स. तो आपको एक्स से जेड कन्वर्ट करने का इक्वेशन याद है क्या? कुछ पढ़े हैं, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा. सो एक्स इज योर 5087.5 माइनस 5,000 बाई 125 कितना आ रहा है? करिए तो 0.7 आ रहा है. 0.7 आ रहा है जेड का वैल्यू. तो एरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना पड़ता है. सेंट्रल एक्सिस इज 0, 0.7 इज हियर. आपको ये वाला एरिया चाहिए, ग्रेटर देन मतलब ये वाला एरिया. तो इसका आपको टेबल वैल्यू लगेगा. यू विल नीड दिस टेबल वैल्यू विच इज सपोज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन बट इट इज नॉट गिवन हियर. सो वी विल यूज द सोल्यूशन. यहाँ पे 0.7 जेड निकाला हुआ है और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड एज पर द क्वेश्चन दिस एरिया इज 0.758. पीछे एक टेबल दिया हुआ है क्या बुक में? लास्ट पेज में देखिए टेबल रीड करिए. 0.7 दो तरह का टेबल है शायद, राइट टेल और वो भी दिया हुआ है. राइट टेल लेफ्ट टेल दोनों दिया हुआ है. लास्ट पेज में जाइए मैट के. मेरा में नहीं है बुक में. नहीं है. हाँ नहीं, मेरा में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं. अब बुक में होगा, इसमें नहीं है. हम लोग कौन से पेज में थे? एनीवेज आप पीछे देखिए अपना बगल बगल से एरिया ऑफ जेड टेबल, वो मिल जाता है. क्वेश्चन में दिया होगा आपको, एग्जाम में जेड टेबल तो मिलेगा नहीं. दिस एरिया विल बी गिवन. अब वो कभी कभी होता है कि यहां से यहां का एरिया दे देते हैं 0 से 0.7 का. कभी होता है कि आपको पूरा लेफ्ट से लेके यहां तक का एरिया दे रहे हैं. यू हैव टू सी वॉट काइंड ऑफ एरिया इज अवेलेबल. ठीक है. कभी होता है कि आपको राइट टेल का एरिया दे देते हैं, जो आपको चाहिए वही दे देते हैं. सो 0.758 है. पॉइंट सेवन फाइव एट कहां का एरिया दिया हुआ है? पढ़ो हेडिंग क्या टेबल का. 0.758 ये एरिया नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो 0.5 से ज्यादा है.
तो 0.758 इज यहां से यहां तक का एरिया होगा, लेफ्ट टेल से दिया होगा, ड्राइंग बना के भी दिया शायद, शेड किया हुआ है, मतलब दिस एरिया इज गिवन टू यू 0.758, क्वेश्चन इज गिविंग यू दिस एरिया, तो ये एरिया विल बी 1 माइनस 0.758, 0.2420, तो 24.2% इज योर आंसर। देखिए कैसे जज करते हैं कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये 0.5 होता है, वो भी 0.5 होता है, तो अगर कोई भी एरिया 0.5 से ज्यादा दिया है तो जनरली वो लेफ्ट टेल से यहां तक का दिया है, और आपको ये पता है कि यहां पे जो हम लोग जो एरिया देखना चाह रहे हैं वो यहां से यहां तक का एरिया जो है वो 0.5 से कम ही है, ये तो दिख ही रहा है। सो इफ दिस इज लेस देन 0.5, इफ दिस एरिया इज लेस देन 0.5, ओके, if this area is less than 0.5, then you have to understand accordingly what z value is given. अच्छा इसमें जो मैंने सम सॉल्व किया मैंने बहुत इजीली किया, ये लोग क्या किया प्रॉफिट से कैलकुलेट किया, ये लोग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल दिए 5000, मतलब जनरली क्या होता है ना जिस तरह से एसडी दिया होता है उसी तरह से सम करा जाना चाहिए, ये रूल जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं, एसडी का यूनिट्स है तो यूनिट्स पे सम किया जाना चाहिए, बट इन लोगों ने क्या किया देखिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5000 से निकाल दिया, एसडी भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, एसडी का कंट्रीब्यूशन निकाल लिया कि 125 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 5000 आ रहा है, और फिर वो जेड वैल्यू उतना ही आया, 0.7 ही आया, बट ये ज्यादा इजी लग रहा, आप जो देखिए मैंने किया 5087.5, इसी चैप्टर 6 में यू विल बी एबल टू सी द क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो मैं बोला ट्रांसपोर्ट वन स्पोर्ट सब है इधर, अभी नेक्स्ट ही आप देखिए ये रहा सीवीपी इन सर्विस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गया ना, ये एक्सपर्ट रोडवेज सजेस्ट फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, तो सर्विस सेक्टर जो पहले चैप्टर था वो अभी भी है, कहां घुस गया डिसीजन मेकिंग में घुस गया। मैं पैसेंजर किलोमीटर का सम क्लास में नहीं कराता क्योंकि इंटर भर भर के आप किए हैं तो वो सब आ जाते कभी कभी एग्जाम में, तो ये इंटर बेस्ड है, मैंने क्लास में नहीं कराया, इंटरमीडिएट का सम्स जो बहुत ही बेसिक वाले होते हैं वो हम लोग नहीं किए, इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका किया हुआ है। नेक्स्ट इसमें जो है रेलिवेंट कॉस्टिंग सारे हैं इसी में रेलिवेंट कॉस्टिंग घुसा हुआ है, इसी में सारा डिसीजन मेकिंग का वेराइटीज घुसा हुआ है, तो मुझे अब चैप्टर 6 और कुछ नहीं बताना, चैप्टर 6 इज ओवर। चैप्टर 7 भी बहुत कम है मेरे लिए बताने का क्योंकि उसको हमने क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा है, चैप्टर 7 इज प्राइसिंग डिसीजंस। चलिए आइए डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा है। अच्छा इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग भी है, ग्राफ इसी में लीनियर प्रोग्रामिंग भी है, आप लिख लीजिए ना कंटेंट में चैप्टर का स्टार्टिंग पेज में लिख के रख दीजिए, इसमें सारा सीवीपी है, इस चैप्टर 6 में सारा सीवीपी है, मैं कहां लिखूं बोलो, 6.1 के पहले लिख दो आप कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, हमारा एसजेसी मैट से इसको हम कैसे मैच करेंगे, खाली पेज ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं। देखो इसमें क्या क्या है, हमारा एसजेसी मैट का रेलिवेंट कॉस्टिंग है, दूसरा हमारा इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग है, तीसरा सीवीपी एनालिसिस है, और चौथा सारा डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि वो मेक और बाय की फैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टिंग अदर एरियाज सब है, और पांचवा इसमें सर्विस सेक्टर का भी समझे, जो आप इंटर में पढ़े थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इंटर वाला प्लस फाइनल में जो मैं पढ़ाया वो भी। ठीक है
आइए नेक्स्ट चैप्टर सेवन में मैं आपको ले चलूं। चैप्टर सेवन कितना नंबर पेज है? ऐसे नहीं होगा, छोटा करके घुमाना। आ गया, प्राइसिंग डिसीजन। ये हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज नाम का जो चैप्टर पढ़ा है अपने एसजेसी मैट में, एक्सटर्नल प्राइसिंग बोलकर वो ये चैप्टर है, और ये सारा ही पढ़ा हुआ है आपका। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मुझे दिखाना है जिसको कॉमन सेंस से जनरली बच्चे कराते थे, बट इस बार इसमें मेंशन है तो मैं बता दूंगा। एक बार नजर से दौड़ा लीजिए कि इसमें है क्या क्या। ये चार्ट इसका एग्जॉस्टिव चार्ट है, पूरा कंप्लीट पिक्चर दिखा रहा है। इसमें प्राइसिंग चैप्टर ही हमारा क्लास का एक्सटर्नल प्राइसिंग चैप्टर ही है और कुछ नहीं है। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल है जो कैलकुलस वाला सम्स था, एमसी इज इक्वल टू एमआर, क्लास में भी हुआ है। और प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में, वो सब है। और प्राइसिंग मेथड्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, फिर प्राइसिंग अंडर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल का सम्स इसमें डाला हुआ है थोड़ा बहुत। फिर प्राइसिंग ऑफ बिलो मार्जिनल कॉस्ट, प्राइसिंग इन रिसेशंस, ये सब थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें डाले हुए हैं। तो इसमें पढ़ाने का बहुत कम है मेरा, बट आपको एक बार नजर से निकाल लेना है। ये एमसी इज इक्वल टू एमआर का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दिखा रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो कैलकुलस था उसके बारे में बात हो रही है। तो इसके सम्स भी क्लास में किए हुए हैं। ये सम आपको मैंने सिमिलर सम ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में कराया था, सिमिलर सम्स इन एसजेसीज ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, मतलब फिगर भी मोटा मोटी मैच हो जाएंगे उसमें। एसजेसीज ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, उसमें कैलकुलस बेस्ड प्राइसिंग कराया गया था। फिर ये सब आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, तो गोइंग रेट प्राइसिंग फॉलो करते हैं। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में ही एक्चुअली वी से वो कैलकुलस बेस्ड प्राइसिंग सबसे ज्यादा सूट करता है। कैलकुलस बेस्ड प्राइसिंग सबसे ज्यादा प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन में सूट करता है, मतलब यू हैव टू डिसाइड अ प्राइस दैट विल मैक्सिमाइज योर ओन प्रॉफिट। ओके, फिर मोनोपोली मार्केट में कैसा प्राइस, अ फर्म इज अ प्राइस सेटर, इट कैन फिक्स एनी प्राइस, है ना। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको सब्स्टिट्यूट्स ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या हुआ पता है क्या? मोनोपोलिस्टिक में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, बट वो लोग अपने अपने प्रोडक्ट के लीडर हैं, उसका फिर कोई कंपटीशन नहीं। कोई एग्जांपल? कोक पेप्सी, वेरी नाइस। तो उनके कोई कंपटीशन क्यों नहीं है? सब पेटेंटेड होते हैं ना, इसलिए लोग कंपटीशन जनरेट नहीं कर पाते। डोमिनोस, पिज्जा हट, नहीं, वो तो सब्स्टिट्यूट हो गए। टी कॉफी बोलने से तो प्रोडक्ट हो गए, आप ब्रांड का बात करिए। डोमिनोज और पिज्जा हट मोनोपोलिस जैसे ही है, और कंपटीशन एक दूसरे से है भी, बट अपना अपना डिफरेंशिएट करके रखे, प्रोडक्ट मार्केट क्रिएट करके रखे। ओलिगोपोली इज टेलीकॉम, इसका जैसे डोमिनोज पिज्जा हट, इन लोगों को डिमिनिश होता है इनका प्रॉफिट बिकॉज ऑफ प्राइस कंपटीशन विद क्लोज सब्स्टिट्यूट। ओलिगोपोली में वॉर होता है, वॉर, प्राइस वॉर बहुत कॉमन है। जियो का एग्जांपल इज वेरी कॉमन। इसमें प्राइस फिक्स करने के लिए यू हैव टू आल्सो सी द रिएक्शन ऑफ अदर फर्म्स, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सबको ही ऐसा कर सकते हैं, तो उससे अपने को रेवेन्यू लॉस हो सकता है।
ओलिगोपोलीज में परस्यू प्रेडेटरी प्राइसिंग, याद है आपको प्रेडेटरी प्राइसिंग, दूसरों को बर्बाद करने के लिए अपना कम प्राइस रखो, कीपिंग प्राइस आर्टिफिशियली लो, इंटेंशन इज टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटर. दे में ऑल्सो ऑपरेट अ लिमिट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू डिस्करेज एंट्रेंट्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंट्री फॉर स्टॉलिंग प्राइस. लिमिट प्राइसिंग मीन्स वो लोग प्राइस बढ़ा नहीं रहे अपना, इवन दो उनका कॉस्ट बढ़ रहा है. ओलिगोपोलिस में कोल्यूड विथ राइवल्स एंड रेज प्राइस टूगेदर. कोल्यूड मतलब कार्टेल बना लेंगे, ग्रुप ग्रुप बना लेंगे और सबको एक साथ दाम बढ़ा देंगे. बट उससे नया एंट्रेंट्स फट से घुस जाता है. ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बहुत ही कॉमनली यूज नहीं होता है ओलिगोपोली मार्केट में, बट इट इज ऑल्सो मेथड वेयर बाई दे विल एड कॉस्ट एंड देन प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट बेस्ड ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड. जनरली जिस प्रोडक्ट पे आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते वहां पे कॉस्ट प्लस चलाते हैं. पेट्रोल का एक एग्जाम्पल जो है वो ये वाला है. पेट्रोल ऑयल, पेट्रोल डीजल वगैरह ओलिगोपोली मार्केट, आपको समझ में आता है क्या? कोल्यूड करके प्राइसिंग रखते हैं लोग, इकट्ठा होकर प्राइसिंग करते हैं और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है. जितना खर्चा है, जैसे जैसे उनका खर्चा बढ़ता है वो लोग प्राइस बढ़ाते हैं. आप सुनते हैं ना हर तीन महीना में प्राइस बढ़ता है घटता है पेट्रोल का, तो घटाते भी है सब साथ में. क्यों घटाते हैं? क्योंकि उनका क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा होता है घट रहा होता है, उसका इफेक्ट वो लोग अपने प्रोडक्ट पे लेते रहते हैं. तो देयर मेथडोलॉजी ऑफ प्राइसिंग इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इज बेसिकली अ कॉम्पिटिशन विच दे डू विद इन देमसेल्व्स फॉर क्वालिटी. नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन इज द फेवर्ड स्ट्रेटेजी फॉर ओलिगोपोलिस बिकॉज प्राइस कॉम्पिटिशन कैन लीड टू डिस्ट्रक्टिव प्राइस वॉर्स. तो दे डू वॉट? इम्प्रूव क्वालिटी एंड आफ्टर सेल्स, स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड प्लेसमेंट, सेल्स प्रोमोशन सच एज बाय वन गेट वन फ्री, लॉयल्टी स्कीम्स. देन प्राइजिंग पॉलिसी वगैरह जो है ये आप अपने आप पढ़ेंगे कि प्राइजिंग पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. हाउ टू डिसाइड अ प्राइजिंग पॉलिसी, मतलब व्हाट आर द पैरामीटर्स. यू कैन जस्ट गो थ्रू, ग्लांस मार लो, आप अपने आप समझ पा रहे होंगे. इसमें ज्यादा कोई टेक्निकलिटी है नहीं कि मैं आपको समझाऊं, ये सब इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ ज्ञान है. प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्टिंग इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, वर्क टूवर्ड्स बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, इनकरेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रमोट एक्सपोर्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब to arrive at a right price, what are the points you have to keep in mind? So sometimes you have to keep a different price based on product line. Product line matlab product ka variation ke hisab se alag price. Product line means variations ke hisab se alag price. Jaise smartphone mein 16 GB ka alag price, 32 GB ka alag price. Based on past customer's behavior, a customer with good payment record may be given good discount. You can have different price. Price customization is, you can say, price differentiation. Kaise price alag alag charge karo? Price differentiation bolna cha rahe hain. Ki kaise price ko aap customize kar sakte ho? Kin basis par? सीएससी, जैसे कि सीएससी ने कस्टमाइज किया कमर्शियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए और रेसिडेंशियल यूज के लिए. कैसे किया? बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट, करेक्ट, बेस्ड ऑन इट्स मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन.
तो वही हो गया ना, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन में आ गया वो। फिर बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स इज बेस्ड ऑन एज और सोशल स्टेटस। जैसे बैंक फॉलो करते हैं ना, सीनियर सिटीजन के लिए अलग रेट ऑफ रेट, रेलवेज में सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन रहता है। बेस्ड ऑन टाइम डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, डिस्काउंटेड प्राइस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 6 months टुगेदर, डिफरेंट प्राइस फॉर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन एट वन टाइम, सो दैट इज यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंशियल। कि हाउ विल यू क्रिएट द डिफरेंशिएशन, कैसे प्राइस अलग अलग किया जाना चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं ना एसजेसी में, इंटर स्टूडेंट ऑफ एसजेसी स्टडिंग फाइनल्स एट एसजेसी, डिफरेंट प्राइस, रेफर्ड बाई एसजेसी स्टूडेंट, डिफरेंट प्राइस, कॉम्बोज, ऑप्टिंग टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, डिफरेंट प्राइस। तो क्या है, प्राइस डिफरेंशिएशन ही तो क्रिएट किया हमने। प्राइस सेंसिटिविटी, इट मेजर्स द कस्टमर्स बिहेवियर टू चेंज इन प्राइस। सेंसिटिविटी इन प्राइस इज बेसिकली इलास्टिसिटी, इट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पढ़े हैं ना आप, कि क्या क्या चीज चेंज होने से प्राइस में असर आ सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर पे असर आ सकता है। इतना सुंदर ड्राइंग बनाया, देखो ये हम नहीं पढ़ाते हैं, ये आप अपने आप पढ़ते हैं। मैं टिक मारता हूं ऐसे, आप भी टिक मारिए, थोड़ा तो बदमाशी करने दीजिए, इतना ईमानदारी से कौन पढ़ाएगा। पढ़ा हो आप भी टिक मार लिया, ऐसे नहीं करो, मैं पढ़ने के लिए टाइम दिया, फिर कहाँ मौका मिलेगा। नहीं पढ़ते घर में, आप जानते हैं ना आप अपने आप को, पढ़ लीजिए, खत्म करिए। सिंगल लाइनर है, मेरा कुछ बोलने का भी नहीं है। मतलब ऐसे समझो, कहां पे बायर चूचा नहीं करेगा, ऐसे सोचो क्या क्या केस में हमारा कस्टमर चूचा नहीं करेगा, अब सोचो। यूनिक चीज है तो चूचा कर ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं क्या बोले, वो लास्ट में क्या बोलेगा, भैया देख लीजिए ना, आप देख लीजिए अब हम क्या बोले। देखते जाइए यहां पे क्या क्या केस है। सब्स्टिट्यूट का उसको सारा ज्ञान है तो ज्यादा चूचा करेगा। सेंसिटिविटी लो मतलब, सेंसिटिविटी लो मतलब चूचा नहीं कर रहा है, लो मतलब नो चू चा चू चूंचा। हाई मतलब सेंसिटिविटी, हाई मतलब हाई नहीं, हाँ नो क्या चूचा। चूचा हिंदी में लिखो, देखो डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट, ये क्या बोल रहा है। इफ द बायर हैज डिफिकल्टी कंपेयरिंग टू अल्टरनेटिव, चूचा नहीं करेगा, उसको तो आइडिया ही नहीं। सेंसिटिविटी विल बी लो। टोटल एक्सपेंडिचर, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स अ लो प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। हाँ माचिस का तिल्ली, वेरी नाइस एग्जाम्पल।
Buyers are less price sensitive where the expenditure on the product is low compared to the total cost of the end product. जैसे फर्नीचर बनता है तो कील एंड बेनिफिट में जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, बट उसमें अगर हम कील का कॉस्ट देखें तो बहुत नॉमिनल है, तो क्या चूचा करें उसमें. ठीक है, इंटरेस्टिंग हो गया ना चूचा बोलने से. उनका चूचा का लेवल चेक करने के लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करिए, उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दीजिए, डिफरेंट प्राइसेस, फिर रिस्पॉन्स लीजिए, देखिए चूचा कौन ज्यादा कर रहा है. बस रेस्ट ऑल इज ऑलरेडी डन इन क्लास. प्राइसिंग मेथड्स किया हुआ है आपका. मेरे को एक और पढ़ाना है जो मैं बोला था कि कॉमन सेंस से कर लेते थे, जिसके लिए मेन ये चैप्टर खोला ही था. ये देखिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ये एक नया हो गया इसमें, दिस इज न्यू. मिल गया 7.16. देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टू प्राइस द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ इट्स वैल्यू. अगर कस्टमर उसका परसीव्ड वैल्यू ज्यादा समझता है तो ज्यादा प्राइस देने रेडी होगा. दिस मेथड हेल्प्स द फर्म इन रिड्यूसिंग द थ्रेट ऑफ प्राइस वॉर्स. मार्केटिंग रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेथड. इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव वैल्यू और ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू. इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. We have not done this in class. Now, how to find true economic value? ये एक formula दिया हुआ है यहाँ पे. True economic value is cost of the next best alternative plus value of performance differential. Now, यहाँ पे इसको क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इंग्लिश दे आर शोइंग हियर. यहां पे एक एग्जाम्पल है, आप खुद उसका सोल्यूशन बता देंगे. आप सोचिए ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू आपको नहीं आता है, आप एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन को हैंडल करिए. अ कस्टमर वॉन्ट्स टू बाय अ सिस्टम फॉर अ सिंगल ईयर आफ्टर विच इट विल बी स्क्रैप्ड विथ प्लान टू यूज इट फॉर 2500 आवर्स. So he has two options, system X, system Y, system X or X square. Operating cost per hour 5 और इसमें 7.5, तो 5 × 2500. कितना हुआ 12500 और इधर 18750. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्रैश का क्या मतलब है? यहां पे नीचे दिया हुआ है फाइंड द टोटल ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सिस्टम एक्स स्क्वायर इफ द कॉस्ट ऑफ अ सिस्टम क्रैश टू द बायर इज 1 lakh. ओके, तो आप समझ रहे हो 10% चांस है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सोचो ना. मैथ्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 lakh का 10% चांस है, तो 10,000 रुपया लॉस होने का चांस है, और यहां पे 5,000 लॉस होने का चांस है. पांच सौ आ रहा है क्या? ये 10% कितना आ रहा है? 10,000, और यहां पे आ रहा है 500. तो ये देखो ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ये दोनों परफॉर्मेंस से रिलेटेड है. तो इसका परफॉर्मेंस कॉस्ट जिसको आप वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हो वो आ रहा है 22,500, और इसमें कितना आ रहा है 19,250 आ रहा है. सो व्हाट इज द बेनिफिट
इन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्स स्क्वायर? अरे सिंपल, माइनस करना. बेनिफिट क्या हो रहा है? बेनिफिट इन परफॉर्मेंस. थ्री टू फाइव जीरो, ठीक है ना. अब थ्री टू फाइव जीरो जो आया, ये तो आपको एक्स स्क्वायर का क्लियर कट बेनिफिट मिल रहा है. वही एट द सेम टाइम एक्स खरीदने जाएंगे तो 37,500 लगेगा. तो एक्स स्क्वायर में अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है तो उसका एक्स्ट्रा प्राइस तो आप दोगे. तो इसका ऑल्टरनेटिव जो है सिस्टम एक्स, उसका प्राइस क्या है? 37,500 है. तो ऐसा बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू इज 40,750. अब आप वो टर्मिनोलॉजी को पढ़ो, हम लोग क्या बोल रहे थे वहां पे. कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी इट वॉज प्राइस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव टू पे, दैट प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, उसका सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट दैट कस्टमर विल हैव टू पे, दैट कस्टमर विल हैव टू पे प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, मतलब प्लस सेविंग्स इन परफॉर्मेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट या परफॉर्मेंसेस, सेविंग्स इन परफॉर्मेंसेस प्लस सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट मींस सेविंग्स इन परफॉर्मेंसेस. तो सेविंग्स आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा दे सकता है, सेविंग्स नहीं आ रहा तो एक्स्ट्रा नहीं दे सकता है. इस तरह का हम लोग वैसे सीवीपी में एक सम करते थे, पेट्रोल पंप एक्स पेट्रोल पंप वाई को लेकर एक सम कराया गया था. पेट्रोल पंप एक्स था, उसमें डीजल पंप वाई था. सीवीपी में इनडिफरेंस पॉइंट का एक सम था जो इस तरह का डिजाइन पे था. सीवीपी चैप्टर में एसजेसी का एक सम है, बट उसमें वो टर्म यूज नहीं था ना, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू. तो ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऐसे फाइंड करने बोल देगा एग्जाम में तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा आपका देखा हुआ नहीं था सम्स. समझ में आया? इजी एकदम. एक लास्ट थ्योरी और पढ़ना है, ये कॉमन सेंस से किया जा सकता था बट एक बार आप देख लो तो इजी रहेगा आपके लिए. ये है पेज नंबर आपका 7 पॉइंट, देखिए कौन सा है, ये वाला. रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, तीन तरह का प्रोडक्ट है. न्यू प्रोडक्ट इज एनालाइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ प्राइसिंग. जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, केस स्टडी ओरिएंटेड, मतलब कि आप बताइए आप कंपनी ने ऐसा ऐसा सिचुएशन में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हुआ, कि इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हुआ, कि मी टू प्रोडक्ट हुआ. अब आप अंदर मत पढ़ो, ऐसी सोचो. मी टू माने, मी टू प्रोडक्ट माने कैसा प्रोडक्ट होगा, वो नया है लेकिन मी टू कैटेगरी है, मतलब नहीं, एक प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने लॉन्च किया जिसका कैटेगरी आ रहा है मी टू. सिमिलर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, कुछ नया नहीं है. बासमती चावल नया बना दिया आपने, बोलते हमारा बासमती खाई, जालान बासमती, बासमती जो सोए हुए को जगा दे. तो क्या है ये नया, क्या है इसमें? मी टू प्रोडक्ट है, ठीक है. वैसे इवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी क्या होता होगा? रेवोल्यूशन और इवोल्यूशन, कॉमन सेंस से सोच सकता है. रेवोल्यूशन मतलब ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था, और इवोल्यूशन मतलब जो एडॉप्ट होते होते समय के हिसाब से बदला है, अडैप्ट हुआ, अडैप्टेड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंजेस, है ना. तो रेवोल्यूशन इज ऑल टुगेदर न्यू. एग्जाम्पल उबर ओला, पहले तो ऐसा नहीं होता था. टैक्सी का जो इन्होंने रेवोल्यूशन ला दिया, वो एकदम अलग ही कर दिया. करेक्ट. और इवोल्यूशन इज एप्पल का फोन्स, स्मार्टफोन्स इज एवोल्यूशन.
कंप्यूटराइज्ड स्मार्टफोन्स, कंप्यूटराइज्ड मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। मी टू इज बासमती चावल। बस ये एक नया था एक्चुअली, ये ओल्ड कोर्स में एक बार एग्जाम में आया हुआ है ये तीन कैटेगरीज, जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टेंसेस दिए हुए थे, बताना था कि ये रेवोल्यूशनरी हुआ कि इवोल्यूशनरी हुआ कि मी टू हुआ। तो कॉमन सेंस से बच्चा बता पाता है, इसमें कोई टेक्निकल नहीं था। ये मार्केटिंग सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उनको तो ये सब अच्छे से और केस स्टडी के साथ पढ़ना पड़ता है। बाकी आपको सब आता है, ये चैप्टर भी खत्म हुआ भाई, चैप्टर 7 इज ओवर, 7 चैप्टर खत्म हो गए हैं। उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ये हमें भी पढ़ना है, इसको हम पढ़ के जाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक।